धन्यवाद धन्यवाद दीदी, दीदी आपके आपके वक्तव्य वक्तव्य में में सपना हाँ सपना इसका विस्तृत जरूर विषय विषय पर पर उचित उचित मार्गदर्शन, मार्गदर्शन काफी काफी प्रश्नों प्रश्नों का का समाधान समाधान हुआ हुआ है है और और अभी अभी हम हम अपने अपने श्रोताओं के श्रोताओं के प्रश्नों प्रश्नों का का भी भी समाधान समाधान करेंगे। करेंगे। आइए आइए प्रश्न प्रश्न उत्तर उत्तर सत्र सत्र प्रारंभ प्रारंभ करते करते हैं। हैं। तो तो पहला पहला प्रश्न प्रश्न दीदी दीदी औनत्य औनत्य भय भय का का है, है, औनत्य औनत्य मेहता। मेहता। हाउ हाउ टू टू डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट बिटवीन बिटवीन एल्यूसिनेशन एल्यूसिनेशन एंड एंड स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। जो हेलुसिनेशन है उसके बाद मनुष्य वैसा के वैसे ही रहता है। उसके आचरण में, उसके भाव में, उसके व्यवहार में फर्क यदि होता भी है तो भी वो चेंज फॉर द वर्स ऐसा कह सकते हैं। यानी उसके व्यवहार में, आचरण में जो आध्यात्मिक हमने जो जो बिंदु देखे, जैसे आत्मीयता है, एकात्मता है, या संयम है, या सर्वसमावेशकता है, वो यदि दिख रही है तो वो आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। वो नहीं दिख रही है, वो ज्यादा स्वार्थी होता है, क्लोज माइंडेड होता है, या कुछ भी फर्क नहीं दिखता है, तो वह हेलुसिनेशन। जी दूसरा प्रश्न लेते हैं दीदी। ये निराग भाई का प्रश्न है कि हमारी ट्रेडिशंस परंपराएं सब साइंटिफिक वैज्ञानिक और इंक्लूसिव हैं, सो हाउ यंगर जनरेशन शुड बी गिवन एक्सपीरियंस एक्सपोजर नाउडेज अबाउट अवर साइंटिफिक रिचुअल्स ट्रेडिशन एक्सेट्रा। इसी के साथ एक प्रश्न मैं जोड़ना चाहूंगी कि हम अपने जो ट्रेडिशंस हैं उनके पीछे जो वैज्ञानिक उसका आधार है उसके बारे में कहाँ से पता कर सकते हैं या उसके विषय में कहाँ से जान सकते हैं। ये ऐसा है कि पहला, यानी मैं दूसरा प्रश्न पहले लूंगी कि वो जो ट्रेडिशंस कैसे वैज्ञानिक है, इसके बारे में कैसा पता कर सकते हैं। तो इसके बारे में लेकिन मैं एक बताना चाहूंगी कि ट्रेडिशंस दो प्रकार की है, ठीक है। एक जो है कि जो शाश्वत सत्य है उसको जीवन में हमने आत्मसात करने के दृष्टि से जो परंपराएं बनी हैं, जैसे मैंने बताया कि पंच महायज्ञ हैं, या जैसे बड़ों का सम्मान करना है, निसर्ग का आदर करना है, या पूजा करनी है, तो ये सारा सनातन तत्वों के ऊपर आधारित आई हुई परंपरा है। तो ये तो हमने करनी है। अभी उसके पीछे का विज्ञान क्या है, तो ये हमने आज के परिप्रेक्ष्य में जरूर समझना है। यानी ये अच्छा है, यदि किसी को ऐसे लगता है कि ये मैंने क्यों करना है, तो उसने ये प्रश्न जरूर पूछना है, और जो उसको बताने जा रहा है क्यों करना है, उसने उसका विज्ञान भी बताना है। और इसके बारे में आजकल बहुत सारे पुस्तक उपलब्ध है, पहले नहीं था, आजकल इंटरनेट के कारण भी बहुत सारा उपलब्ध है। तो वो एक दूसरा परंपरा का जो प्रकार है, वो ऐतिहासिक कुछ समस्याओं के कारण हमें अपनानी पड़ी वो परंपरा, ठीक है। जैसे उदाहरण देना है तो अपने देश के ऊपर सतत जो आक्रमण हो रहे थे, तो स्त्री जो असुरक्षित हो गई, तो उसको हमने घर तक सीमित कर दिया, सीमित कर दिया, और फिर उनकी शिक्षा भी बंद हो गई। तो कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि नहीं, हमारी परंपरा ऐसी है कि मेरे दादी की दादी ने तो कभी पढ़ाई नहीं की थी और मेरे घर में कोई स्त्री पढ़ाई नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। या दूसरा उदाहरणार्थ, ये दूसरा बहुत महत्व का है, यानी जैसे समय बदलता है तो जो व्यवस्था में भी बदलाव आना है। जैसे उदाहरणार्थ आज काफी सारी महिलाएं वो जॉब करती है, ठीक है। तो पहले ऐसा था कि पुरुष सारा बाहर का काम देखेगा और स्त्री घर का काम देखेगी, तो ठीक था क्योंकि एकदम क्लियर डिवीजन था। अभी ऐसा है नहीं, अभी वो बाहर का भी काम करती है, वो बच्चों के स्कूल में जाती है, बच्चों को स्कूल में लेके जाती है, उनका होमवर्क देखती है, और फिर घर का काम देखती है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नहीं, हमारी परंपरा ऐसी है कि घर के स्त्री ने घर का सब कुछ काम करना है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। यदि आज स्त्री अर्थार्जन के लिए भी निकल रही, तो पुरुष को भी घर की कुछ जिम्मेदारी जरूर उठानी है, और
और ये ऐसे कैलकुलेशन से नहीं होता है, क्योंकि व्यवस्थाएं ये हमेशा आत्मीयता पर आधारित होती है। तो इसीलिए कुछ परंपरा ये काल के कारण बदलनी चाहिए, उसमें बदलाव आना चाहिए। कुछ ऐतिहासिक समस्याओं के कारण जो अपनाई थी उनको तो छोड़ भी देना चाहिए, लेकिन कुछ जो शाश्वत तत्वों के ऊपर आधारित थी उसका विज्ञान और अध्यात्म उसमें दोनों निहित है, वो समझते हुए हमने दोनों का ही हमने उनका उन इसका पालन करना चाहिए। तो वो विज्ञान हमने बताना चाहिए। दूसरा, आजकल के युवाओं को हम ये कैसे बताएं, ये जो पहला प्रश्न था, कैसे एक्सपोज करें। तो क्या है ना कि कुछ भी बात हम बताने के लिए जाते हैं तो उसका ज्यादा असर नहीं होता है, तो हमें माहौल खड़े करने होते हैं। जैसे अभी आपने विमर्श से एक माहौल खड़ा किया है ना, तो जो इसमें जुड़ गए वो सुन रहे हैं, और भी ये YouTube पे है तो कोई और सुनना चाहेगा तो सुन सकता है, जैसे ज्योति बेन का शिक्षा के ऊपर वगैरह ये सारा। ये एक उदाहरणार्थ हो गया विमर्श का माहौल। या जैसे हम विवेकानंद केंद्र में वो जो कल्चरल एग्जामिनेशंस लेते हैं है ना, वो भी एक माहौल होता है। या हम जैसे युवाओं को लेकर वन भोजन करने जा रहे हैं और उस वन भोजन में गए और वहां इनफॉर्मली बातें करते करते हमने कैसे भारतीय परंपरा में विज्ञान और अध्यात्म ये अलग अलग नहीं है, हम जो भी करते हैं उसके लिए वैज्ञानिक आधार भी है, ऐसा एक सहजता से गप्पा का विषय निकाल सकते हैं और गप्पे लगा सकते हैं। बहुत बार जब हम इनफॉर्मली बातें करते होते हैं तब वो ज्यादा अच्छी तरह से अंदर तक भी जाता है, तो ऐसा हमें करना होगा। यानी बाकी इसके लिए दूसरा ऐसा है ना कि एक बार जैसे माहौल बनने लगता है, मैं माहौल यानी अभी कार्यक्रम का माहौल नहीं बता रही हूँ, जैसे समाज में या देश में एक बार माहौल बनने लगता है तो फिर तो सारा ही लोग जानना चाहेंगे, तो वो स्थिति आने तक हमें काम जरूर करना है और लोग युवा उसमें आ जाए, और वो आ जाएंगे। आज की युवा पीढ़ी एक्चुअली ज्यादा प्रामाणिक भी है और ज्यादा सत्य को जानने की इच्छा रखने वाली भी है। यानी ऊपरी ऊपरी हमें कुछ ऐसा लगता होगा नहीं है, कुछ लोग शायद नहीं होंगे लेकिन काफी सारे ऐसे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है जरूर हम प्रयत्न करेंगे तो वो हो सकता है। जी, बहुत सुंदर मार्गदर्शन। यदि अगला प्रश्न लेते हैं, हर्षिल शाह का है, हाउ कैन द कॉम्बिनेशन ऑफ साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल एटीट्यूड हेल्प इन थ्राइविंग द कट थ्रॉट करप्शन ग्रीड एंड पॉलिटिक्स। वैसा इसका और इसका डायरेक्टली ऐसा कोई आप संबंध नहीं लगा सकते कि ये ऐसा है इसीलिए ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा संबंध नहीं है। लेकिन फिर से इसी के ऊपर आ गया कि समाज में किन मूल्यों की प्रतिष्ठा है, उस मूल्य की प्रतिष्ठा यदि है तो फिर समाज में जो लोग उसका पालन नहीं भी करना चाहते हैं तो भी वो मैं कम से कम कर रहा हूं ऐसा दिखाएंगे। जैसे मैं उदाहरण देती हूं कि सत्य की प्रतिष्ठा है, इसका मतलब क्या कि वो जो झूठ भी बोल रहा है वो मैं कितना सत्यवादी हूं ये दिखाने का प्रयास करेगा। लेकिन यदि समाज में प्रामाणिकता की सत्य की प्रतिष्ठा नहीं है तो ऐसा भी होगा कि जो बड़े प्रामाणिकता से काम करता है कोई जाके उसको बोलेगा अरे क्या गधे जैसा काम कर रहा है। ऐसा ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, बॉस ने तुमको बताया इसीलिए तुमने वो वैसे के वैसा पूरा अच्छी तरह से करना कोई जरूरी नहीं है। यानी अभी जो सत्यवादिता से जीवन जी रहा है उसकी यदि मजाक उड़ाई जा रही है तो इसका मतलब सत्य का माहौल नहीं है, सत्य की प्रतिष्ठा नहीं है। तो मूल्यों की प्रतिष्ठा यदि समाज में होती है, और मूल्यों की प्रतिष्ठा अध्यात्म से होती है ये निश्चित है, जैसा मैंने बताया कि साइंस में अनुशासन भाग आता नहीं है। जैसे फिजिक्स का टीचर कुछ भी सिखाए, फिजिक्स अच्छा सिखाए और जीवन में कुछ भी व्यवहार करे तो उसका कोई फर्क नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति
मैं बहुत अच्छा गीता के ऊपर भाषण दूंगा, लेकिन बाद में मेरा व्यवहार चाहे जैसा होगा तो उसके गीता के भाषणों की कीमत शून्य ही नहीं माइनस हो जाएगी, क्योंकि लोग बोलेंगे वो इतनी बड़ी बड़ी गीता की बातें करता है, उसका व्यवहार देखो। तो इसीलिए अध्यात्म में अनुशासन, जीवन का व्यवहार, आचरण, ये सबके ऊपर जोर है। तो हमारी संस्कृति ये आध्यात्मिक संस्कृति है, और जो विज्ञान से अलग नहीं है ये जितना हमें समझेगा और जितना वो अध्यात्म हमारे जीवन में आएगा, यानी आत्मीयता पर आधारित अपनी जीवन पद्धति होगी, हम उपासना करेंगे, और ऐसा सब जब हमारा प्रयास रहेगा तब निश्चित रूप से एक सामाजिक वातावरण होने लगेगा। ये एक बात है, लेकिन आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार वगैरह है उसके लिए सिर्फ इतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कभी कभी जब परिस्थिति बिगड़ जाती है तो हमें नेतृत्व भी प्रखर लगता है, नेतृत्व एट ऑल लेवल, सारे स्तरों पर, यानी चाहे अखिल भारतीय स्तर पे हो, प्रांतीय स्तर पे हो, हर कार्य के क्षेत्र में हो, वहां का नेतृत्व जितना पक्का होगा उतना ये समाज में भी मूल्यों की प्रतिष्ठा है और नेतृत्व भी पक्का है, तो फिर ये जल्दी समाज में आ सकता है। इसीलिए ये जो नेतृत्व का अर्थ ही एक्चुअली नेता या जो शब्द है वो नय धातु से आता है, नय यानी ले जाना, यानी नेता कहाँ लोगों को ले जाता है, यानी वो किस मूल्य का आग्रह धरता है और वो रखता है, इसी के ऊपर सारा होता है। तो ऐसे नेता खड़े करना, यानी ऐसा नेतृत्व देने वाले, वेदों में एक शब्द है कि हम पुरोहित बनेंगे, अभी आजकल पुरोहित यानी पूजा करने वाले ऐसा अर्थ हो गया, लेकिन पुरोहित यानी जो सामने रहते हुए सारे मान यानी जो मान्यताएं हैं वो प्रतिष्ठित करते जाते हैं। तो ऐसा करना होगा, यानी एक तो वातावरण भी बनना है और दूसरा नेतृत्व भी सही होना। जी दीदी धन्यवाद। ऐसे तो प्रश्न अनेक है और समय की मर्यादा को देखते हुए हम प्रश्न सत्र को यहीं समाप्त करेंगे। स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी को दोहराते हुए महान ब्रिटिश इतिहासकार आर्नल्ड टॉयनबी ने कहा था, ये पहले ही स्पष्ट होता जा रहा है कि एक अध्याय जिसकी शुरुआत पश्चिमी थी, यदि उसे मानव जाति के आत्मविनाश के साथ समाप्त नहीं होना है तो उसका अंत भारतीय होना चाहिए। मानव इतिहास के इस अत्यंत संकटपूर्ण क्षण में केवल प्राचीन हिंदू जीवन पद्धति ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। इसी पद्धति में यह दृष्टिकोण और भावना है जो एक परिवार के रूप में मानव जाति के विकास को संभव बना सकती है। भारतीय संस्कृति एवं जीवन पद्धति के संभाग हम युवा हैं। युवाओं से मेरा आह्वान है कि अपना समय देते हुए राष्ट्र कार्य में जुड़े, अपनी दिनचर्या के समय को योजित कर हम समाज एवं राष्ट्र के कार्य में लगे। विमर्श एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से हम सब युवा विचारों और चिंतन के लिए एकत्रित होते हैं और वक्तव्यों एवं स्वाध्याय के माध्यम से विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। सकारात्मकता और रचनात्मकता से हम कार्य करते रहते हैं। आप विमर्श से जुड़े और इसका भाग भी बने ऐसी आशा है। अगर आप कर्णावती में रहते हैं तो हमसे जरूर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 07-26-87-16-77। एक बार पुनः दोहराता हूँ, 07-26-87-16-77। या फिर आप मेल आईडी के द्वारा अपने सुझाव या अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। मेल आईडी है karnavati@vkendra.org। कुछ आवश्यक सूचनाएं हैं, श्रोताओं का फीडबैक आयोजकों के लिए अत्यंत आवश्यक और सतत सुधार का माध्यम होता है, इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप फीडबैक फॉर्म अवश्य भरें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी की सूचना के लिए ये सभी लेक्चर्स, समर्थ भारत विजन और स्वामी विवेकानंद के सभी लेक्चर्स भाग एक, भाग दो, भाग तीन यूट्यूब के विवेकानंद केंद्र के चैनल VK एक्टिविटी वीडियो पे उपलब्ध रहेंगे, जिनको आप कभी भी बाद में भी देख सकते हैं। आगामी कार्यक्रमों की मैं सूचना देना चाहूंगी। अगला विमर्श कार्यक्रम जनवरी मास में आयोजित किया जाएगा,
जिसकी जानकारी आपको व्हाट्सएप में मैसेज या फिर मेल के द्वारा पहुंचा दी जाएगी। कर्णवती केंद्र कार्यालय में हम हर रविवार स्वाध्याय वर्ग में मिलते हैं, इसमें आप भी भाग ले सकते हैं और उसके लिए आप केंद्र कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। स्थानीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 17 नवंबर से 22 नवंबर तक किया जा रहा है। ये आयोजन पाटन जिले के शांति आश्रम में होगा। इसमें भी भाग लेने हेतु तो आप कार्यालय में संपर्क। नित्य योग वर्ग एवं ऑनलाइन योग वर्ग भी कर्णवती कार्यालय के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसके विषय में भी आप अधिक जानकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं और यह सारी जानकारी आप कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर भी मिल जाएगी। हमारे साथ विमर्श करने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। इस तरह हम आगे चलते रहे इसी आशा के साथ कार्यक्रम की समाप्त कार्यक्रम की समाप्ति शांति के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you.